प्रकाश दुबे और इनसे हम बातचीत करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम के रूपरेखा फॉर्मेट यह है कि लगभग आधे घंटे तक हम लोग चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं और उसके बाद 15-20 मिनट हम लोग एक इंटरेक्टिव सेशन रहता है जिसमें सवाल जवाब हम लोग करेंगे उस बातचीत के आधार पर। पुनः आप तमाम लोगों का त्रिपुरारी जी, व्यास जी, मीरा जी, रत्नेश्वर जी, आशीष, विनीत, मैं तमाम लोगों का स्वागत करता हूँ। आराधना जी, अजीत जी, सबसे पहले तो पहले आप कुछ पूछे, मैं एक पहले कन्फेशन कर दूँगा कि मुझसे पहले बहुत सारे एक्शन में बात चुके हैं बहुत बड़े राइटर और मेरे बाप भी आते रहे हैं। आपके वाला सेशन ऐसे मान के चलिए जैसे कोई बीच में कमर्शियल ब्रेक हो जाता है कि गलती से बुला लिया गया इस टाइम का, ताकि और इससे ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा वरना आपको बुरा लगेगा और इससे कम आप रखेंगे तो मुझे रहते हैं। अच्छा, इसमें जैसा कि रविता जी ने कहा कि नए दौर के नए कहानीकार उपन्यासकार हैं, ये तीसरी किताब है मुसाफिर कहके। सबसे पहले तो हमको ये दिव्य प्रकाश बताइए कि आप कहानियाँ क्यों लिखते हैं, जैसे कि परिचय में बताया गया कि आप एक मैनेजमेंट सीरियोसिस्ट वगैरह से कहते हैं, क्या जरूरत आन पड़ी आपको कि कहानी लिखने की तरफ रुचि हो? कहानी एक्चुअली हुआ क्या कि घर पे बहुत पढ़ने का माहौल था, जैसे हम लोग को याद नहीं है पिछले 30-35 साल में कि कभी ऐसा हुआ कि घर में जैसे किताब तो किताब जो पढ़ते पढ़ते गिर जाती है ना तब सोते थे, तो ये था। तो मैं चुपके से सुरेंद्र मोहन पाठक से लेके पन्ने मोड़ मोड़ के पढ़ता था जहाँ पे सीन नहीं रहता था इस तरीके का। लेकिन हुआ क्या कि ये सब जब जाता गया उसके बाद में एक टाइम ऐसा आया कि हमारे घर के पड़ोस में किट्टी भैया करके कैरेक्टर थे, वो रहते थे और बहुत ही दिलदार टाइप आदमी, जैसे नहीं होता है कॉलोनी में लोग होते हैं करे, अब पता चल गया इतने दिलदार टाइप आदमी थे क्योंकि रजिस्ट्री ऑफिस में काम करते थे कि अब रोज 2000 जैसे कमाते थे तो 3000 लुटा देते थे इस टाइप का था उनका कैरेक्टर। और उनकी एक दिन सडनली डेथ हुई और मेरे को लगा कि यार मैं मर कैसे सकता है, और मैं क्रीमेशन में जानबूझ के नहीं गया, बिल्कुल घर के पड़ोस अच्छा देखते हैं लोगों की। तो वो पहली कहानी मैंने वहां से लिखी कि यार ये किट्टी कम से कम किताब में तो रहे, ऐसे हम लोग तो मोर और लेस में जो कहानियां इनिशियली शुरू की थी वो इस तरीके से कि जैसे हम लोग बाल कटाने जाते हैं और जो जुम्मन मियां बाल काट रहे होते हैं पूरे मोहल्ले भर का बता देंगे कि भाई शर्मा जी का अफेयर कहाँ चल रहा है, शर्मा जी की बेटी का अफेयर कहाँ चल रहा है। तो ये सारे वो कैरेक्टर है जो हीरो नहीं है हमारी सोसाइटी में, तो मुझे लगा कि जो नॉन हीरो है इनकी कहानी लिखनी चाहिए और उन लोगों की आवाज देनी चाहिए। तो यहाँ से वो शुरू हुआ सिलसिला, फिर धीरे धीरे वो फैंटेसी में ज्यादा चला गया, लेकिन शुरुआत वो ट्रिगर पॉइंट ये था। ये बताइए कि जैसे आप लिखते कैसे हैं, किस तरह से जो कोई कहानी या उपन्यास प्लान करते हैं उसकी प्रक्रिया क्या होती है, क्या प्रोसेस होता है? अरे बड़ा खराब सवाल है। होता क्या है कि जैसे राइटिंग को लेके क्या है ना, जैसे हर किसी का प्रोसेस अलग होता होगा, उसका कोई सही जवाब नहीं है कि कोई गाजर खा के लिखे या कोई मूली खा के लिखे। लेकिन मेरे को एक चीज पता है कि उस पूरे प्रोसेस में कि जैसे आपके पास एक लालटेन है और आपको जंगल में छोड़ दिया गया है, आप एक बार में केवल एक कदम देख सकते हैं और वो एक कदम जब आप चलेंगे तब आपको अगला कदम मिलेगा और वो एक एक कदम से आपको जंगल पार होता है, उसमें आप भटकेंगे क्योंकि कोई रास्ता नहीं है। तो वही रहता है प्रोसेस, मतलब मेरे को ना प्लॉट चमकता है ना अभी कोई एक चीज चिपक जाएगी, कोई लाइन, कोई कैरेक्टरिस्टिक, कुछ भी, और आप एकदम से उसको जो क्लोजेस्ट है, मेरे को लगता है जैसे हम लोग की मम्मी लोग जो पूजा वूजा करती है, और आप देखिए ना मैं मुझे इस बात से बड़ी दिक्कत होती है जब पूजा करती हूँ और इतने कॉन्फिडेंस से जब पूजा करेंगी ना जैसे लगेगा कि सब मांग लेंगी पापा जी से, अरे भगवान से, प्रमोशन से लेके हम लोग की नौकरी तक। और मुझे जितना उनको विश्वास वहां पे भगवान पे है उतना मेरे को अपने आप पे नहीं है, और इस बात से मेरे को दिक्कत होती है। और मेरे को लगता है जब राइटिंग में मैं होता हूँ तो मैं अननोन पे छोड़ देता हूँ कुछ चीज, भले वो भगवान है या नहीं है वो मैटर नहीं करता है, लेकिन जैसे आप छोड़ते हैं दोनों के बीच काफी, लेकिन दोनों अपने रिश्तों को लेकर जैसे कर रहे हैं कि शादी के साथ एक कमिटमेंट रहता है किसी रिश्ते को लेकर किसी एक लड़के के साथ, लेकिन आपके उपन्यास में परिचय में जब लड़का बताता है चंदर की भाई 2-3 साल में अमेरिका में रहा वहाँ मेरा मन नहीं लगा, अपने बारे में जब बताता है मुझे फिल्में देखना पसंद है टेलीविजन कब देखते, लड़की जब बताती है उसमें कहती है कि बाकी सब ठीक है लेकिन एक जो बहुत ही बोल्ड है कहती मैं वर्जिन नहीं। और आप देखिए कि यही एक तरीके से दोनों के रिश्तों को लेकर बहुत ही एक निर्णायक ये पहलू भी,
तो आगे सारी लड़कियां जो इतनी बोल्ड है लेकिन कमिटमेंट उनमें क्यों नहीं? मुझे लगता है ना कि प्यार और लॉयल्टी को हम लोग एक साथ लेके चलते हैं, ये एक डर रहा है इस तरीके का, इस तरीके का हम सोचते हैं, ये बहुत हद तक सच भी होगा, जरूरी होगा, लेकिन ये जो कैरेक्टर है ना ये कमिटमेंट की वजह से नहीं करती। आप देखेंगे जो शुरू में वो बताती है कि जब बोलती है ना अपने इंट्रोडक्शन में कि तुम क्या करती हो, तो बताती है, ये नहीं बताती कि मैं लॉयर हूँ, बताती है कि मैं डिवोर्स एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि उसने 3 महीने की शादी से लेके 50 साल की शादी टूटते हुए देखी, 55 साल की शादी टूटते हुए देखी, तो कहीं ना कहीं उसको ये है कि जब ये हर एज में टूट जा रहा है, उसके बाद एक और आती है चीज जो उसका बैकग्राउंड जाता है कि उसके फादर ने बिना तलाक दिए छोड़ दिया उसकी मदर को, तो वो अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा ट्रबल्ड चाइल्डहुड होगा तो नेचुरली है कि इस रिश्ते पे विश्वास बहुत धीरे धीरे कर पाएगी। और एक चीज और भी है कि ये सुधा की भी है, जरूरी नहीं कि वो मेरी बात तो ये क्योंकि सुधा का ट्रबल्ड चाइल्डहुड था इस तरीके से, तो इसलिए वो वैसे देख रही है उसको, और मैं ट्रू टू कैरेक्टर था इसीलिए ऐसा नहीं था। चंदर के बाद उसका फिर विनीत से भी एक रिश्ता होता है, तो तमाम उसके रिश्तों में आखिर उसके पहले भी उससे पहले भी उसका एक इतिहास रहा, खुद चंदर का भी रहा, तो दोनों अपने रिश्ते लगातार शिफ्ट करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, उसको लेके कोई बहुत उनको अपराध बोध नहीं है, जबकि जिस तरह का हम लोग का एक पारंपरिक मूल्य बोध है कि एक रिश्ते को निभाने का वफादारी लंबे समय तक चलो, ये जो आपके तमाम चरित्र जो रिश्ते बदलते रहते हैं लगातार क्यों शिफ्ट करते क्यों बदलते रहते हैं? क्या है ना, जब वो शुरू किसी को ये पता नहीं रहता ना कि आगे आने वाला क्या है, तो आप जैसे अब आप जिस कहानी में देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि 10 साल दोनों दूर रहते हैं, मुझे लगता है कि आप जिसने भी पढ़ी है नहीं पढ़ी है, उन लोगों का मजा भी खराब होगा जल्दी से पढ़ने का मन करे, और दूसरी ये भी दिक्कत हो सकती है जब शादी के बारे में तो अभी पढ़ेगा क्यों, तो लेकिन क्या है ना जैसे ये जो 10 साल कोई दूर रहेगा, मान लीजिए चंद्र या सुधा दूर रहे 10 साल, तो मैं वो ना एक जो आइडियल वो आइडियल वर्ल्ड था ना कि वो 10 साल किसी की शक्ल नहीं देखेंगे, किसी को हाथ नहीं लगाएंगे, वो मैं टच मी नॉट कैटेगरी में नहीं जाना चाहता, मैं बिल्कुल रियल रखना चाहता था, क्योंकि मैं ऐसे सोच के चलता कि मैं अगर 10 साल के लिए कहीं से दूर चला गया तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं किसी और से मेरी दोस्ती ना हो जाए, किसी और से मेरी बातचीत ना हो जाए, ये दिखाना ये फिल्म में बड़ा फिल्मी लगता है कि एक बार वीर ज़ारा से मिली 2 मिनट के लिए और उसके बाद वो 25 साल जेल में रह गया, वो मेरे को प्रैक्टिकल नहीं लगता आज के युवा के हिसाब से, हम लोग जितने प्रैक्टिकल हैं, तो इसलिए वो पम्मी का कैरेक्टर वहां आता है कि वो है और वहां पे आराम से वो है, इधर सुधा है वो भी टच में नॉट नहीं है, तो अपना वो लॉ फर्म में साथ में, और ये बट नेचुरल है। एक और चीज से मैं रिलेट करूंगा, इधर लास्ट ईयर फिल्म आई थी पीकू, तो पीकू में एक सीन था कि वो अपने अमिताभ बच्चन से बहुत परेशान है दीपिका पादुकोण, और अपना वो बहुत इरिटेट होकर कमरे में जाती है और वो कॉल करती है जो उस एडवर्टाइजिंग फर्म में पार्टनर होता है, और अगले दिन कट टू फिल्म में कुछ नहीं दिखाया जाता, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसने रात में जब इरिटेट होके बुलाया तो इसलिए नहीं बताया होगा ना कि इसको बात ही करनी है, एक कहीं ना कहीं वहां पे एक और लेयर थी वहां पे, तो ये भी जो कहानी टिकी है ना उस लेयर पे टिकी है कि इस तरीके के रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं, और हम लोग को ये गलत है कि बजाय ये देखना चाहिए कि ये भी है, इस तरीके से चीजों को थोड़ा परखना चाहिए, तो इसलिए। और मुझे अब ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि मैंने पहली बार ऐसा परख के देखा था, हर टाइम में लोग यही चीज परखते रहे पहले। आपकी किताब में मेमोरी बहुत आती है, जैसे उसमें एक पंक्ति है कि बहुत सारी याद जो एक दूसरे के रिश्ते में हमारी बनती है उससे ज्यादा की जो याद हम बना सकते जो बच बन सकता था, बल्कि उपन्यास के शुरू में ही है कि भाई दोनों मिलते हैं कहते हैं कि क्या हम लोग परिचित, लेकिन लगता है जैसे हम लोग किताब की कोई जो किताब ना लिखी गई हो उसके पात्र मेमोरी को लेकर ऐसा लगता है कि कई थोड़ी आप अनकंफर्टेबल है याद को लेके रिमेम्बरेंस या मेमोरी जैसे है, वो क्या
आपको पहले सवाल बता देना चाहिए। देखिए क्या है ना, हम लोग जो है जिंदगी में, हम लोग रिग्रेट्स की चलती फिरती दुकान है सारे, ऑल सेटल्ड है, चाहे जो भी कितने भी सेटल्ड हो हम लोग या दिखे लाइफ में। जैसे इसीलिए जब लाले लिखते हैं ना, हजारों भाई हैं ऐसे ही भाई शब्द के, तो हम सभी लोगों की कुछ ना कुछ अधूरे हिस्से रह गए हैं कहीं ना कहीं। और देखिए कहानी क्या है ना, उस पॉसिबिलिटी पे टिकी हुई है कि जैसे मैं यहाँ से निकलूंगा, कोई बाहर मेरे को एक कोई दोस्त मिल जाए पुराना स्कूल का, हो सकता है कोई ऐसे जानने वाले मिल जाए, वो यहाँ से निकलने के बाद 150 पॉसिबिलिटी है यहाँ से इस कमरे से बाहर निकलने के बाद। और कहानी कोई एक पॉसिबिलिटी चुनती है, लेकिन 149 मिस हो जाती है। ऐसी होता है लाइफ में मेरे को लगता है, जैसे कहीं आप किसी को ट्रेन में मिलते हैं और आप नंबर भी नहीं लगाते किसी का, आप कहीं पे जाते हैं आपको लगता है यार बात कर लेनी चाहिए थी या ये बोल देना चाहिए था, या फिर जैसे आप किसी बात पे अपनी मम्मी को बुरा बोल देते हैं या किसी दोस्त को बहुत बुरा बोल देते हैं और आपको लगता है यार नहीं करना चाहिए था। तो वो जो है ना कि हमें हमेशा वो याद आती है जो हम बना सकते थे, इसीलिए वो बात आती है, क्योंकि हमारे पास रोज हम कुछ यादें क्रिएट कर रहे हैं और कुछ यादें रोज मिस होती जा रही है ना। वो जो पदम शब्द कुछ और हो जाता है वो हमेशा रिग्रेट रहता है। और ये है मतलब सबके साथ मुझे लगता है, बताओ उपन्यास है, दोनों को एक बच्चे हैं पहले रिश्ते से, जब सिद्धार्थ चंद्र जब दोनों साथ थे अक्षर, और बाद में वो जो मम्मी के साथ चला जाता है चंद्र मुसाफिर कहते हैं, तो आपने वो एंड है जो पुस्तक का जो अंत है, और आपने भिखारी ठाकुर का पतन विदेशिया नाटक लिखा है, मैंने नाटक निकल इनको सुना, लेकिन लगता है कुछ एंड उससे प्रभावित है कि दो माँ है एक बच्चा है पिता है। नहीं नहीं अच्छा, असल बात ये इसका जो सीट पड़ा मेरे दिमाग में वो ऐसे था कि जैसे इसके पीछे ना, जब मैं पूरे दौरान ये लिखा था, तो लखनऊ के बहुत बड़े शायर मजा साहब, उनका एक शेर है कि जमाने से आगे तो बढ़िया मजा, जमाने को आगे बढ़ाना भी है। तो मुझे लगता था फ्यूचर में ऐसे रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेंगे जहाँ पे पता चला एक पेरेंट का एक बच्चा है, बाद में दोनों सेपरेट हो गए और रिस्पेक्टिव शादी हो गई, और जब उस बच्ची की शादी होगी तो वो चार लोग कन्यादान करेंगे। और ऐसा मैंने होते हुए भी देखा एक आध जगह उसमें रियल लाइफ में, और बड़े आराम से बहुत अच्छी शादी, मतलब लगा कि कितने कर उन लोगों के अपने रिग्रेट होंगे उस बच्ची की अपब्रिंगिंग में जो फ्रैक्चर उसका चाइल्डहुड रहा होगा बात अलग है, लेकिन ऐसा एग्जिस्ट करेगा। मेरे को ऐसा लगता था कि ऐसे चार लोगों में एक बच्चा होगा, तीन लोगों में एक बच्चा होगा, हालांकि वो बहुत ही आइडिया कि वो कम्यून जैसा सिस्टम हो जाए कम्यून जैसा। तो मुझे लगा कि ये देखिए वो कह रहा था, जब मैं लिख रहा था तो गुनाहों का देवता के कैरेक्टर के नाम थे, मैं अगर फिर से सुधा को नहीं मिलवाता तो फिर ये होता कि यार गुनाह का देवता को अभी कर ली तुमने, मिलवा देता तो वो भी गड़बड़ हो जाता कि यार यार ये क्या हैप्पी एंडिंग हो गई। तो मुझे लगा कि नहीं तीसरा रास्ता लेते हैं, तीनों को एक साथ रख देते हैं, तो ये शायद उसका एक मिडिल पाथ था जहाँ पे तीनों अलग हैं और तीनों मिले हुए हैं। आप देखिए ना कोई ऐसा क्लोजर नहीं होता वहां पे, वो क्लोजर ये नहीं है कि बिल्कुल हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर नहीं था वहां पे, अब चंदर जो किताब पूरी थी वो पूरी कर रहा है, मम्मी अपना कैफे चला रही है, फिंगर मिलती है, और बाकी सुधा ने अपनी नई कंपनी बनाई। जैसे हिंदी में 30s के दशक में हंस कुमार तिवारी ये सब ठीक करके नाम, उनकी चार पंक्तियां बहुत पॉपुलर, वो पंक्तियां ये है बहुत लोकप्रिय की, भीलों ने लूट लिया वन, राजा को खबर तक ले, रानी हो गई बदचलन, राजा को खबर तक। ये चार पंक्तियां लोग कहते हैं कि जमाने में 80,000 रुपया या कुछ मिला, लेकिन देखिए कि वैल्यू क्या है। एक तो स्त्री विरोधी कविता है रानी पचन, आदिवासी विरोधी कविता, मान लीजिए बहुत पॉपुलर है, लेकिन वो मूल्य क्या ले जा रहा है ये भी तो बहुत नहीं, नहीं मैं इसको बिल्कुल मैं कह ही रहा हूँ, जैसे कि जो चीज हो रही है सो हो रही है, और ऐसा नहीं है ना जैसे इस कॉस्ट पे हम लिखेंगे कि नहीं। देखिए हिंदी में सर ट्रेजेडी क्या है ना, आप मान लीजिए ऐसा लिख देते हैं अभी है ना, तो आपको उल्टे जूते पड़ेंगे है ना, आपको टाइम बहुत बदल गया, और आप पॉपुलर अभी आप कोई सोचे ना कि नहीं यार मैं पॉपुलर लिखूंगा, आप कोशिश करके देख लीजिए, वो नहीं होता है बिना उसके, कहीं ना कहीं वो एक सब्टेक्स्ट में वो चीज रहती है, वही आगे लिखते जाती है। आप कोई सोचे ना कि आप देखो मैं बिल्कुल पॉपुलर, अब मेरे को पता है सलमान खान बनूंगा मैं हिंदी का, वो नहीं बन पाएगा कोई, वो टाइम और लोग अपने आप करते जाते हैं। आपका प्रिय लेखक कौन है, हिंदी और अंग्रेजी? दो लेखक है मेरे, एक तो राही मासूम रजा साहब, वो केवल इस वजह से तो मैं भी नाजिबुल का हूँ, और दूसरे उन्होंने जैसे जो हम लोग बहुत सारे टर्म अब यूज करते हैं ना, पिताश्री माताश्री ये सब, ये हिंदी में एग्जिस्ट नहीं करते थे, कि उन्होंने टर्म कॉइन किए अपने उसमें। तो मुझे लगा कि जैसे राइटर के लिए जैसे ये होता है कि अब वो नहीं है, और कभी कोई पिताश्री आगे भी यूज करता रहेगा उसको कभी नहीं पता होगा कि राही साहब ने टर्म किया, ये पावर होता है राइटर का कि आपको नहीं पता कि किसके हैं और आप यूज कर रहे हैं।
दूसरे मनोज श्याम जोशी, क्योंकि वो बहुत विजुअल राइटिंग, जैसे मैं बड़ा बुनियाद और हम लोग की उससे, उसके बाद में फिर सारी किताबें उनकी पढ़ी, तो जितना डायरेक्टली वो जैसे जैसे बोल देते थे, मेरे को लगता था कि अगर मैं ऐसे बोल दूं तो मेरे सबसे नाराजगी हो जाएगी, तो ये बड़ा पावरफुल लगता था कि उसके बाद भी काम चला रहे हैं। और अंग्रेजी में रेमंड टैगोर करके राइटर, उन्होंने हार्डली दो किताबें की आई हैं, तो बहुत ही सही लगते हैं उनकी जो शॉर्ट स्टोरी है। बाकी अभी मुराकामी जो अंग्रेजी के नहीं है, जाता नहीं है, बट अंग्रेजी में उनकी किताबें वो बड़े अच्छे। दसवीं के बाद जब हम टेक्निकल लाइन में हमारे बच्चे जाते हैं तो हिंदी छूटती जाती है, और एक समय आता है कि हम हिंदी अपनी पहचान नहीं पाते हैं। आपने हिंदी नहीं लिखने का फैसला क्यों लिया? अंग्रेजी कमजोर रही होगी। ये तो उन्हें कहने दीजिए ना सर, उन्हें कहने दीजिए। ये बिल्कुल सही बात है सर, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं आपको, कि अब जो फ्यूचर में हिंदी के, सॉरी डोंट माइंड, नहीं नहीं, अरे अरे ये तो बजा, तो पटना में बुरा मानने वाली बात ही नहीं, कहां जाएंगे। और एयरपोर्ट भी दूर है यार। नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक चीज और है, जैसे अभी से पहले भी जितने बहुत अच्छे जो हिंदी के राइटर हम लोग को जो सब लोग पसंद है, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है अच्छी हिंदी वही लिख सकता है जो बहुत अच्छी अंग्रेजी और चीज पढ़ रहा हूँ या पढ़ता हूँ। ये बिना कोई भी ऐसा राइटर पढ़ा या बहुत अच्छा नहीं आएगा जो अंग्रेजी लिटरेचर इसने ना पढ़ा, ऐसा बहुत मुश्किल है। और दूसरे हिंदी में लिखने का एक वजह बड़ी साधारण सी थी, कि जैसे कई सारे टर्म थे, जब मैं इनिशियली शॉर्ट स्टोरी लिख रहा था, एक हम लोग किताब लिख रहे थे तो विद्या कसम खाते थे यार, किसी ने बोला ना कि विद्या कसम खाओ, खाओ विद्या कसम, किसी ने बॉल चुरा लिया इस तरीके। अब मैं विद्या कसम का ट्रांसलेशन बोलने बैठा तो कहीं से कुछ बने ही नहीं, कई सारी चीजें उसी में बन सकती थी जैसे हम बोल रहे थे और उसी भाषा में थी। और मेरी कहानियां कोई ऐसा नहीं था ना कि, अब मैं बड़ा अजीब सा लगता है ना, जैसे कोई दो कैरेक्टर अब लखनऊ के नॉवेल्टी सिनेमा में पिक्चर देखने जा रहे हैं, अब वो कैसे अंग्रेजी बात करेंगे, रियली नहीं लगेगा। तो मुझे लगा कि यही भाषा सही, अगर कल को ऐसा लगेगा कोई कहानी बाहर की होगी तो शायद अंग्रेजी में भी, लेकिन अब लगता नहीं है, मुश्किल। अनिश जी, आप जो इनसे बोले थे उस पर आई जस्ट वांट टू मेक कमेंट, आपने कमेंट किया इस पर कि ये हिंदी में लिखे हैं एंड कुछ अंग्रेजी वर्ड का इसमें इस्तेमाल किया है ज्यादा। आई थिंक यू नो, फिर आई पर्सनली आई वुड प्रेफर टू रीड अ बुक व्हिच इज मच सिंपलर रादर देन यूजिंग अ लैंग्वेज व्हिच इज एक्चुअली, ऐसी आप लैंग्वेज में लिख दीजिए जो हम कभी यूज नहीं करते हैं, नॉर्मल जो भाषा होती है। एंड आई विल कोट द सर्टेन थिंग्स व्हिच यू एक्सप्रेस प्रॉब्ली बेटर इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज देन इन हिंदी। आप आगा शहीद अली का नाम सुने होंगे, इज प्रॉब्ली द best English poet that India has ever produced. He's no more. Aage Shahid Ali ne ek kitab likhi hai, uska naam hai Real Ghazals in English. Unhone angrezi mein ghazals likhi hai, wo sara ghazal ka format mein. Ek unki kavita hai jiska naam hai Beyond English. Beyond English ka ek couplet main aapko batata hu. He says, I know of some words of war. I know of some words of war, all of them sharp. But the sharpest one is jung. Beyond English, you can't express jung the way it is expressed. Aap war kar sakte hain, but doesn't give you the feeling of jung. So I think book mein bhi, if you have to borrow a word from other language to express it more explicitly, I think you should use it rather than the, you know, not the name of Hindi mein use karni hai. Mujhe lagta hai aap ek survey shaadi pe bhi kara rahe the, utna meri se zyada log. अनिश जी की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि इंग्लिश और हिंदी का जब मिक्स होता है, नहीं मेरे पास वो बिल्कुल यही है व्हाट यू वांटेड टू से मेरा ये कहना है कि आप जरूर अंग्रेजी इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जो वो है वो रोमन में नहीं होना चाहिए, उसको देवनागरी में लिखिए। क्योंकि हम कभी अगर अंग्रेजी किताब पढ़ते उसमें हिंदी हो फ्रेंच हो वो रोमन में ही होती है, स्क्रिप्ट उसकी वही है। तो ये जो कंटिन्यूटी है ना वो थोड़ी सी अटपटी सी हो जाती है। तो कोशिश करूंगा लेकिन मेरे से होगा नहीं। मैं पढ़ने में बहुत कोशिश जरूर करूंगा और मैं कोशिश बहुत करता हूँ कि ना हो, लेकिन क्या होता है जैसे अनकंफर्टेबल आप पढ़ रहे हैं और अनकंफर्टेबल गलती से कहीं वर्ड आता है ना, तो वो मैंने दोनों लिख के देखे टाइप बकायदा प्रिंट आउट हो के फिर हटते हैं ऊपर,
वही था कि जैसे दोनों तरह की देखेंगे और भी कई सारी किताबें उसी तरह दूसरी बात ये कि जो सुधा और चंदर की जितनी आधुनिक आपने उनकी रिलेशनशिप जो है वो दिखाई है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कॉन्शियसली आपने उसका अंडरकरंट जो है वो बड़ा मतलब जो कहते हैं कन्वेंशनल वो रखा है, क्योंकि उनको अंत में मिलना है, उनकी कमिटमेंट है, पर आप सतह पे नहीं दिखा रहे हैं उसको. सो वॉज दैट विद द प्लान और मुझे नहीं मालूम कैसे होता है वो. ये कहा जाता है भाषा के द्वारा कि अगर भाषा नहीं तो विचार भी नहीं है. ये एक जगह मैंने पढ़ी थी ये बात. तो संकट इस बात का है कि अगर हम भाषा को खो देंगे, और आपके कंधे पर हम नहीं डाल रहे हैं ये जो डिस्कशन हो रहा है, आपकी जिम्मेवारी नहीं है उसमें, आप एक कड़ी हैं. अगर भाषा को खो देंगे तो क्या विचार का संकट नहीं है? और इसीलिए हम देख रहे हैं जो अपने इस वर्ग में जिस वर्ग के लिए आप बात कर रहे हैं वहां भी विचार का संकट है, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? असल देखिए क्या है, मैं इतना सब सोचने की बजाय इसको ऐसे देखता हूँ कि जब मैं लिख रहा था तो पहले तो ये थी ना बात कि हम वो कहानियां कम्युनिकेट कर पाए जिसको हम करना चाहें, ठीक है ना. और भाषा का संकट और ये सब चीजें आप देखिए ना आम जिंदगी में, जैसे आप एक मिनट के लिए हटा लीजिए कि हम लोग किताब पढ़े हुए लोग है ना, एक मिनट के लिए मान लेते हैं इसको कि हम एक नॉर्मल जिंदगी जो है जहाँ पे शायद कोई पढ़ रहा है कोई नहीं पढ़ रहा है उसमें, तो आपको ये सब संकट ही नहीं उठेंगे कभी बताए जीवन में. मतलब ये सब ना आप ये करिए ना अपने आप एक लेवल जब आप क्रॉस कर जाते हैं तब आपको ये सब लगता है यार बड़ा गलत हो रहा है और ये सब है. और इसमें कोई डाउट नहीं है कि विचार का जो आप बता रहे हैं कि जो इसमें संकट रहेगा ये होके रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनके पास भाषा नहीं है वो विचार नहीं कर रहे हैं लोग, है ना. और ये भाषा भी वाला बड़ा खतरनाक मसला हो जाता है. दिक्कत क्या है ना कि हम लोग को अभी जैसे ये सब मैं टर्म बताता हूँ, जैसे कि आप किसी टपरी पे चले जाइए, यहाँ पे बहुत सारे लोग सेल्स में इंश्योरेंस का बहुत सारा बिजनेस है, बिहार में टेलीकॉम बहुत बड़ा है, यहाँ पे आप चले जाइए और किसी चाय की टपरी पे एक मिनट देखिए ऑफिस के पड़ोस में, वहां पे लोगों की जरा बात सुनिए आप, तो बोलेगा ना शाम पे एक आदमी कह रहा है बॉस ने दिमाग का दही कर दिया, शाम को अब तो बिहार में तो ये बोल नहीं सकते कि शाम को पीकर दिमाग की बैटरी रिचार्ज करनी पड़ेगी, है ना. तो ये दो महीने जब भी आया था नोटिफिकेशन से पहले, तो जो दिमाग की बैटरी रिचार्ज करनी पड़ेगी ये जो भाषा ना ये पढ़े लिखे लोग बना रहे हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करती है ना. तो इसलिए ना ये जो कि पांच लोग बैठ के बनाएंगे उसको हमें छोड़ देना चाहिए. और मतलब यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ. आप सबने वक्त निकाला और कलम की चौधरी कड़ी में अपना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और अनीश जी और दिव्य प्रकाश जी बहुत ही रोचक बातचीत रही, और एयरपोर्ट उतना भी दूर नहीं है दिव्य प्रकाश जी, लेकिन फिर भी बुरा मत मानिएगा किसी बात का. नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप किसी बात का बुरा नहीं मानिएगा, खुल के बातचीत करने का एक मंच है, तो हमने खुल के बातचीत की है. और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभा केतन फाउंडेशन का, हमारे मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण का, और हमारे हॉस्पिटैलिटी पार्टनर चाणक्य का. और अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री व्यास जी को कि वो मंच पर आए और दिव्य प्रकाश जी को एक हमारी तरफ से छोटी सी भेंट प्रस्तुत करें. Yeah, but he's not going to do that.